नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन और काम को साथ लेके चलते हैं। कुछ लोग ऐसी भीड़ में वहाँ पे रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पैशन को ज़िंदगी में पीछे रखते थे और भूल जाते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मिलवाने जा रही हूँ जो अपनी जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में बलविंदर सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आपको बता दूं, ये सब इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ अपना प्रोफेशन, जो पैशन जो है इनका थिएटर के रिलेटेड एज ए एक्टर, वो भी साथ में फॉलो कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी, आपकी जॉब तो चल रही है, किस तरह आपका शौक जो है एक्टिंग में गया? मैं क्या, जब इंजीनियरिंग कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, मैं उसके जब फाइनल ईयर में था, तब मैंने नटरंग जो थिएटर ग्रुप है जम्मू का, वहाँ पे मैंने, मतलब मुझे पता चला कि ये थिएटर करते हैं। तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब व्हाट थिएटर इज़ ऑल अबाउट। तो मैं वहाँ गया और फिर जुड़ा उनके साथ। तो वहाँ पे मुझे आई फाउंड माय पैशन इन एक्टिंग। उससे पहले जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैं स्टेज पे कंपेयरिंग करता था, डिबेट्स पे पार्ट लेता था, डिक्लेमेशन पे पार्ट लेता था। बट 2009 के बाद देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन एक्टर स्टेज पे। फिर तो कभी स्कूल टाइम में तब कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे एक्टिंग की तरफ या मेरा शौक उस वक्त? स्कूल में, आर्मी स्कूल उधमपुर में था, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। तो हमारे पास इतनी उस टाइम उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और मतलब हमें, जब तक आप उस चीज़ से रूबरू नहीं होते तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, ऐसे स्टेज पे जाते थे, डिबेट्स कर लेते थे, डेक्लेमेशंस कर लेते थे, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी स्टेज से रिलेटेड, तो उसमें कहते ना कुछ चीज़ होती है बचपन से ही आपके अंदर होती है। तो तब कभी ट्राई करते हो यार कोई मूवी देख के कुछ एक्टिंग करना, या तब उस तरह की कोई ऐसी हरकत? नहीं, मेरे साथ वैसा सच कुछ भी नहीं था। तो मतलब मुझे लगता है तब दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या उस लाइन में। तब ऐसा लगता था कि शायद ये, मतलब दिस इज़ नॉट फॉर अस, ये कुछ शायद दूसरा एक फील्ड होता है वहाँ पे। कुछ मतलब आपको पद मालूम नहीं होता ना कि आप ये भी कर सकते हो। जैसे आपको उस तरह से ग्रूम किया जाता है कि आप इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर्स करोगे, जैसे मैंने मेडिकल लिया था, नॉन मेडिकल भी था, तो हमें लगता था हम ये कर सकते हैं, ये हमारी जर्नी है। तो हमें मालूम नहीं होता कि ये भी एक पार्ट ऑफ, मतलब उसी तरीके से इसको भी परस्यू किया जाता है, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो उसी तरीके से आप थिएटर के लिए पढ़ते हो, और उसी तरीके से उसमें भी ग्रूमिंग होती है जिस तरीके से बाकी कोई भी फील्ड हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जैसे पढ़ाई होती है, उस तरीके से थिएटर में भी आपको तैयारी होती है, पढ़ाई होती है, देन यू गो फाइनली ऑन स्टेज एंड परफॉर्म। तो उस टाइम इतना कॉलेजिंग कहाँ से थी? कॉलेज मेरा GCT, गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जम्मू है, CET से मैं। तो कॉलेज में कब वो मोमेंट क्लिक हुआ कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, या तब जब फील हुआ कि हाँ, मुझे इस लाइन में जाना है? कोई फाइनल ईयर में जब मैं था तो वही सुना, नटरंग, एक फ्रेंड जाता था नटरंग जम्मू, वो थिएटर से कुछ शोज प्लेस करते थे, तो मैंने भी उसके साथ बोला लेट सी एंड एक्सप्लोर दिस फील्ड कि क्या होता है यहाँ, क्या नहीं होता। तो वहाँ जाके फिर मैं मतलब नाटक देखता था, फिर उनको और देखता था, फिर कोशिश करता था कि शायद इनमें पार्टिसिपेट करूं। फिर मुझे खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई कि आप इसमें परफॉर्म करो। फिर मतलब स्टेज इज़ लाइक, स्टेज हैज़ एक्सेप्टेड मी ऑलवेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। स्टेज ने मुझे भी एक्सेप्ट किया, मतलब मैं जिन लोगों के साथ काम करता रहा उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, एंड दे हैड ऑलवेज गिवन मी द मेजर करेक्टर्स जो उनके नाटकों में थे, वो मुझे मिलते रहे स्टार्टिंग से ही। तो कहीं ना कहीं, और मैं भी आई वॉज वर्किंग हार्ड ऑन दैट, तो कहीं ना कहीं आई वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, और एक जर्नी क्रिएट होती गई अपने आप ही। तो जब आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉलेज टाइम में जो भी प्ले मिला, तो तब वो कितना चैलेंजिंग था और वो मोमेंट किस तरह का था आपका? स्टार्टिंग में तो वही होता है ना, एज एन एक्टर स्टार्टिंग में जब भी कोई भी होता है इन जर्नी, तो आप उसमें सोचते हो कि मतलब आपको इतना नॉलेज नहीं होता, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वही सब सही है, जाओगे लाइन्स जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दोगे, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं होता, यू जस्ट आर देयर ऑन स्टेज और एनर्जी लगाते हो आप। तो कहीं वो फिर धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही लगा कि आप जो भी कर दिया वो तो आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो जब आपने फर्स्ट टाइम किया, उसके बाद फीडबैक किस तरह का आया फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली? फीडबैक ये कि माय फ्रेंड एंड फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसा होते थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ गलत भी करता था ना तो तब भी तारीफ कर देते थे कि हाँ, बहुत अच्छा है। तो बट आप फिर सेल्फ जर्नी होती है ना, आप धीरे धीरे यू रियलाइज योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ एज एन एक्टर, एक्सपीरियंस के साथ इंसान बेटर और परफॉर्म करता जाता है। आपको पता चलता है कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको उस पर कितना काम करना है। ऐसा नहीं कि आप आओगे, एक दिन आओगे, लाइन्स याद करके बोल दोगे, तो इट्स नॉट एन एक्टिंग। स्टार्टिंग में लगता था एक दो साल की नहीं, यही होता है शायद, ऐसे ही होता है, एक्सप्रेशन तो काम करो, और बट देन यू रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एवरी टाइम। हर टाइम जो आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आपको उसको पढ़ना है, तैयारी करना है,
फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो उस तरीके से देयर इज अ ग्रोथ इन इट। जैसे आपने बताया आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और जब आपने थिएटर की तरफ अपना रुख बदला, तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी जब आपने उनको बताया मैं थोड़ा एक्टिंग में भी करना चाहता हूँ, उनका कैसा रिएक्शन था? घर वाले दे नेवर इंटरफेयर्ड इन माय लाइफ दैट मच, मतलब माय मदर शी ऑलवेज इंकरेज्ड मी, उनको मालूम था कि आई ऑलवेज वर्क हार्ड वट एवर आई डू, मेहनत करता था जो भी है, जो भी मुझे लगता था, मतलब एक तो आप जब आप जिस चीज़ में आप कुछ करना चाहते हो ना, आप उसमें मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा करते हो। माय पेरेंट्स ऑलवेज सी मी वर्किंग हार्ड फॉर थिंग्स, तो जब उन्होंने देखा तो दे नेवर इंटरफेयर्ड मच, उनको लगा शायद ये भी एक इसमें भी ये कुछ करेगा, ऐसा नहीं है, दे नेवर इंटरफेयर्ड इन दैट। जैसे फाइनल ईयर में मेरा महिंद्रा सत्यम में आई वॉज कैंपस सेलेक्टेड, सत्यम में कैंपस सेलेक्टेड होता है, दैट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी, कॉलेज में आपको इन कैंपस आपकी सिलेक्शन है, तो देर वॉज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर देयर। बट पता नहीं आई वॉज डूइंग थिएटर, और उस टाइम में आई वॉज डूइंग स्ट्रीट थिएटर, मतलब मैं नुक्कड़ नाटक करता था, और नुक्कड़ नाटक में भी मतलब कोई आई वॉज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ वेरी कि मैं बहुत कोई इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा था एंड आई वॉज लाइकिंग डूइंग इट, तो मैं करता रहा एंड आई उस चीज़ को मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे जाना है ज्वाइनिंग करना है, बिकॉज यू आर यंग एट दैट टाइम, तो आप इतना सोचते नहीं हो कि उस टाइम आप सोचते हो कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, एंड विद मी इट ऑलवेज लाइक कि अब जो जिसमें अच्छा लग रहा है ना आई विल डू इट, चाहे इतना है। तो सर किस तरह मैनेज करते थे अपनी स्टडीज को भी साथ में लेके चलना और अपने पैशन को भी फॉलो करना, कितना मुश्किल रहता था, किस तरह का शेड्यूल रहता था? लाइक स्टडीज तो फिर 2009 में मेरा इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आई वॉज टोटली फ्री एंड आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब, तो ऑल द टाइम आई हैड आई वॉज गिविंग टू थिएटर एक्टिंग, और मतलब कुछ शॉर्ट मूवीज हो गई, कैमरा हो गया, उनमें मैं आई वॉज डूइंग, और जम्मू में पहले तो स्टार्टिंग में मैंने नटरंग से किया था, फिर उसके बाद मैंने ये जो पद्मश्री मोतीलाल खेमू जी हैं उनका एक नाटक था नगर उदास, उनके साथ मैंने उनके नाटक में नगर उदास में आई प्लेड द लीड इन द करेक्टर, फिर वहीं पे उनके बेटे भी आए रवि केमू जो हैं, रवि केमू है, फिर उनके साथ नाटक किए, उनके अभी रिसेंटली लास्ट ईयर उनके नाटक हुए थे इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड में, तोता और आईना और एक और भांड दुहाई करके दो नाटक थे जो लिखे दोनों पद्मश्री मोतीलाल केमू सर ने थे, तो उन दोनों में आई डिड द लीड इन दैट। फिर मीनवाइल ऑल इंडिया रेडियो में मैंने ऑडिशन दिया, फिर वहाँ पे मैं ड्रामा पढ़ने जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, अभी भी रिसेंटली आई रेड फ्यू प्लेज इन ऑल इंडिया रेडियो, जैसे दूरदर्शन में फिर कुछ शोज थे या शॉर्ट मूवीज थी, तो वहाँ से मतलब फिर करते रहे तो अभी भी कर ही रहे हैं। तो सर बड़े लोग होते हैं जिनको पर्दे में आना बड़ा अच्छा लगता है, पर्दे, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं आई लाइक डूइंग ऑब्वियसली एक वो होता है उसके साथ कि कुछ लोग होते हैं बैक कैमरा के पीछे भी डायरेक्शन या सिर्फ पर्दे के आगे एज एक्टर ही या डायरेक्शन में भी आपका कोई इंटरेस्ट है? नहीं मेरा हमें स्टार्टिंग से मेरा माइंड एकदम क्लियर था, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कभी एक्टिंग करते करते डायरेक्शन में भी आ जाते हैं, डायरेक्शन से एक्टिंग में भी लाइट्स हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, बट इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, आप सिनेमाटोग्राफी हो गया, कुछ भी होगा, इवन स्टेज में भी देयर आर हंड्रेड ऑफ फील्ड्स, तो अब सेट डिजाइनिंग हो गया, बहुत चीजें हैं, बट इन माय माइंड फ्रॉम वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि मुझे मतलब एज एन एक्टर ही मतलब अपने आप को ग्रूम करना है, क्योंकि हर पर्टिकुलर फील्ड की अपनी एक पढ़ाई है, जैसे आप लाइट्स करोगे तो लाइट्स में टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा है कि आपको सालों लग जाएंगे, मेकअप में है तो मेकअप में आपको सालों लग जाएंगे सीखते सीखते, तो फॉर मी ऐसे कुछ लोग तो हैं एंड इट्स गुड फॉर देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई फोकस ऑन वन थिंग तो वही जो चीज़ है मैं कर सकता हूँ, मतलब एक फोकस करके एक पर्टिकुलर चीज़ कर सकता हूँ। हाँ बस ये। तो सर इसके आगे मतलब एज अ प्रोफेशन जब जॉब तो साथ चल रही है, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपके? फ्यूचर में अभी भी वी आर रिसेंटली वर्किंग ऑन फ्यू प्लेस, जैसे मैं रजनीश सर के साथ मैंने काफ़ी नाटक किया, अभी एसके शर्मा जो एडिशनल कमिश्नर है उन्होंने नाटक लिखा था सत्यता की उड़ान, तो उसमें अभी हमने 29th ऑफ लास्ट मंथ उसमें हमने वो नाटक किया, तो अब वो और एक और नाटक लिख रहे हैं उस पर, अब वी आर वर्किंग ऑन दैट, या फिर ऐसी एक दो और स्क्रिप्ट हैं जिसको शॉर्ट मूवीज को लेकर वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट, तो फिलहाल देख रहे हैं। मतलब कभी सोचा जम्मू से बाहर रुक बॉलीवुड की तरफ या पंजाबी मूवीज की तरफ कभी ट्राई करने की कोशिश की या मन में ऐसी कुछ? पंजाबी मूवीज की तरफ तो मैंने कभी कभी सोचा नहीं, बट डेफिनेटली हाँ आई गिव गो एंड गिव ऑडिशन इन फॉर हिंदी, जो भी हिंदी का जो आर्ट सिनेमा है, जो लिटरेरी सिनेमा है, उसको उनमें जरूर मैं जाके कभी ना कभी आई ट्राई एंड आई गिव ऑडिशन फॉर दैट, या कभी कभी वो यहाँ भी आते हैं लोग कुछ मूवीज के लिए आते हैं, तो वहाँ पे भी आई डू एंड गिव ऑडिशंस, तो दैट इज़ अ जर्नी, वो तो आपकी चल रही है जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, अब तो यू गेटिंग वर्क। तो अभी तक पूरी जर्नी में इंस्पिरेशन आपकी कौन रही?
इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि मेरा पैशन ही इंस्पिरेशन है, मतलब बिकॉज यू लिव एट द मोमेंट. जब आप स्टेज पे होते हो, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेज पे ही जब मैं होता हूँ तो आई यूज़ ऑल माई एनर्जीज एंड ऑल माई हार्डवर्क, मैं उस जगह पे जाता हूँ और वो यूज़ करता हूँ. तो मुझे लगता है मेरा पैशन ही इंस्पायर्स मी समवेयर. मतलब एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या पर्टिकुलर जब आप कुछ कोई काम करते हो, जैसे मान लो थिएटर में कोई करेक्टर करते हो, उसकी क्या जर्नी है, और वो जर्नी ख़त्म ही नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आप उस काम तक कैसे पहुँच सकते हो, तो वही आपको ड्राइव भी करता है, इंस्पायर भी करता है. तो बाकी तो इंस्पिरेशंस देर हंड्रेड ऑफ इंस्पिरेशंस. आप ऐसे देख लो तो जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हॉलीवुड में कुछ लोग हैं, या फिर बॉलीवुड में हमारे कुछ लोग हैं जिनकी स्पीचेस अच्छी हैं, कुछ एक्टर्स की कुछ, तो बस रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. कभी लगता है इसने कुछ काम अच्छा किया. तो कोई फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर जिसको आप देखते हैं, हाँ मुझे भी इस तरह का बनना है या कुछ इस तरह? किसी तरह तो मैं बनना नहीं चाहता, मतलब खुद आई वांटेड टू हैव माय ओन जर्नी. वो किसी की तरह तो मैं बोले हैं कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आइडल मानते हैं कि कोई ना कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से. डेनियल डे लुइस हैं हॉलीवुड में, तो उन्होंने उनका आई सीन देयर वर्क और वो बहुत ज्यादा उनके इंटरव्यू सुनता हूँ मैं, तो जिस तरीके से उनका प्रोसेस है वो बहुत मुझे लगता है कि बड़ा, मतलब इट इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क. उनका स्पीच पे जो काम है, हर मूवीज में अलग पूरा कैरेक्टराइजेशन वो बिल्कुल अलग कर देते हैं. तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. या फिर पुराने कुछ एक्टर्स होंगे, मार्लन ब्रांडो होंगे, या फिर इंडिया में भी कुछ एक्टर्स हैं, जैसे अभी एक स्त्री मूवी में जो एक्टर हैं वो ही इज गुड एक्टर. उनका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा. तो सर अपने किसी प्ले का या कोई एक डायलॉग या थोड़ी सी एक्टिंग आप हमें अगर हमारे दर्शकों को करके दिखा सके. एक्टिंग तो मुझे लगता है स्टेज पे ही होता है. चलो कोई डायलॉग या कुछ थोड़ा सा. बिकॉश रॉय था, कैप्टन बिकॉश रॉय कोर्ट मार्शल में, तो उसका एक स्पीच थी उसकी, वो कहता था कि कैप्टन बीडी कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था, वो पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया, बहुत बड़े और सच्चे सपने देखता था. और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं उनकी मृत्यु कभी भी अपने हाथों नहीं होती. लेकिन कैप्टन बीडी कपूर शायद ये भूल गए कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं. और आपने कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया. सेना में भर्ती होने से पहले पूछताछ होती है परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में. लेकिन कैप्टन बीडी कपूर शायद इसलिए परेशान है क्योंकि इस सब के बाद भी सरकार ने मुझे इनके खिलाफ केस लड़ने के लिए भेज दिया. कुछ ऐसा एक डायलॉग है, मुझे शायद नहीं एग्जैक्टली सही बोला गलत बोला. तो सर सब इंस्पेक्टर के साथ थिएटर आर्टिस्ट की तरह आप जिस तरह काम करें, तो सब इंस्पेक्टर एक ऐसी जॉब है जहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो कितना मुश्किल रहता है कि ड्यूटी भी अपनी निभानी और साथ में अपने पैशन को भी लेके चलना? मैं ये आई एम वेरी थैंकफुल टू फ्यू पीपल, लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू J&K पुलिस कि जो टाइम टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं. मतलब दे आर नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. जैसे लास्ट ईयर मुझे DG रिवॉर्ड मिला था VK सिंह सर से फॉर परफॉर्मिंग, एक वुमेंस डे पे हम परफॉर्म किया था. तो दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी, माय डिपार्टमेंट ऑलवेज मोटिवेटेड मी. और फिर जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो उनको मैं यूटिलाइज करता हूँ परफॉर्मेंसेज के लिए. जैसे जो हमारी कैजुअल लीव्स होंगी या फिर अर्न लीव्स होंगी, तो हम क्या करते हैं, यूजली आई टेक द स्क्रिप्ट. फिर हमारा ऑफिशियल होता है, ऑफिस टाइम होता है, तो फिर ऑफिस पुलिस का तो ड्यूटी कभी भी हो सकता है. तो वेन एवर द डे आई गेट मोमेंट फ्री, तो उस टाइम पे मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है उस पे एनालाइज कर लेता हूँ बैठ के. क्या वक्त मिल पाता है फैमिली को भी टाइम देने का कि नहीं? हाँ मिल जाता है. इफ़ यू आर सब कुछ अब टाइम टेबल, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग, तो अगर आप प्रॉपरली टाइम अपना यूज़ कर रहे हो एंड यू आर प्लानिंग योर टाइम टेबल आप बना लेते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यू विल बी शॉर्ट ऑफ एनीथिंग. आप पैशन भी फॉलो कर सकते हो, मतलब यू जस्ट हैव दैट कि मुझे करना है. अगर जब तक आपका ये है कि मुझे करना है, इंसान को करना, वो किसी भी तरह से वो शेड्यूलिंग वैसे कर बना लेता है, बिल्कुल फाइंड वेज आउट फॉर इट. हाँ तो सर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे थिएटर को शायद इतना बढ़ावा नहीं मिल पाता. कहीं ना कहीं हम देखें जो सिनेरियो जम्मू में, लोगों को इतना थिएटर के बारे में नहीं पता, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे तो लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, क्योंकि कभी ऐसा मैं होता है कि जब मैं थिएटर नहीं करता था तो मुझे लगता था कि थिएटर डजंट एग्जिस्ट.
बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर तो स्टेट थिएटर की बहुत ऑडियंस है. आप अगर लास्ट ईयर वो इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियड, मैं ये कहूंगी कि जो थिएटर में ऑलरेडी होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो थिएटर के अंदर रहते हैं, उनको तो मालूम, पर जो बाहर की जनता, अगर इतनी बात करें, जैसे बाहर अगर कंट्रीज की बात करें, लोग स्पेशली टिकट खरीद कर थिएटर में देखने के लिए आते हैं, पर यहाँ पे जम्मू में वो इन्वायरमेंट कम देखने को मिलता है. बाहर के इवन दिल्ली में मेट्रोज में भी पीपल, इवन अभी पिछले दो महीने के लिए मैं ट्रेनिंग गया था दिल्ली में, तो मैं टिकट्स खरीद रहा था 500 रुपए की, और लास्ट में बैठ के देखता था, और आगे बैठने के लिए तो टिकट्स अब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है. तो बाहर है ये कल्चर. अब जम्मू में भी क्या था कि जब इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड था तो 7 नाटक बाहर के आए थे और लाइन लगी होता था, बाहर तक लाइन लगा होता था, और इवन हमें खुश होता था कि हमें बैठ के नीचे बैठ के नाटक देखना पड़ रहा, चाहे वो हमारे नाटक नहीं थे, तो वो नाटक देखे जाते हैं, लोग पीपल आर अवेयर ऑफ इट, अवेयर ऑफ थिएटर. बट ये है कि हमारे जम्मू में लोग, पीपल वॉन्ट एक्सपेरिमेंटेशन. अब जैसे मान लो कि आप टीवी देख रहे हो या सिनेमा देख रहे हो, आप अपना वो टाइम जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, आप क्यों आओगे थिएटर देखने के लिए? तो जो थिएटर जो हमारे लोग कर रहे हैं, मतलब दोज़ हू आर डूइंग थिएटर प्रोफेशनली या जो कर रहे हैं, दे नीड टू क्रिएट एन आर्ट जो लोगों को मोटिवेट करे. ऐसा नहीं कि आप उनको एक बार बुला लो देखने के लिए, फिर आप उनको वही एक घिसी पिटी चीजें दिखाते हो, घिसे पिटे नाटक दिखाते हो, तो वो दोबारा कभी नहीं आएंगे आपका नाटक देखने के लिए. जैसे आप एक नाटक दिखाते हो, दो बार, तीन बार, चार बार दिखा दोगे वही नाटक, तो फिर ऑडियंस कहाँ आएगी? तो अगर आपको ऑडियंस को थिएटर तक लाना है, तो आपको वैसे इंसेंटिव लेने पड़ेंगे, वैसे आपको नाटक करने पड़ेंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. क्योंकि आज आप देखो, फोन पे इतना सब कुछ है, मतलब एंटरटेनमेंट के इतने सोर्सेज हैं, आर्ट के इतने सोर्सेज हैं, कल्चर के, बट यू वांट देम टू कम टू स्टेज, तो वो स्टेज पे क्यों आ रहे हैं? वो आपको एक दो घंटे अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं, तो आपको जोड़ के रखना, आपको मेहनत करना है, आपको न्यू कंसेप्ट लाने हैं थिएटर में. यही नहीं कि आप पुराने घिसे पिटे कंसेप्ट लेके आप 10-15 साल से वही कंसेप्ट को करते रहो करते रहो करते रहो करते, तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि आजकल की जनरेशन की बात करें, अगर यंगस्टर्स हैं, तो वो भी कुछ नया देखने को, कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें वो भूल कर नई कुछ देखने को चाहते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए. तो अगर आप ये चीजें करेंगे, अगर आप ऐसे कुछ लोग, तो मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू डू इट. जैसे जो भी हमारे जो यंग पीपल हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट मूवीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्टेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे समटाइम्स दे आर सक्सेसफुल, और कहीं कभी ना कभी दे आर अनसक्सेसफुल. तो इफ यू नीड ऑडियंस ऑन स्टेज, तो ऑडियंस किसी, हम भी किसी से, अगर मान लो कि मैं अगर एक नाटक में 3 या 4 या 5 महीने मेहनत नहीं करता हूँ, तो मैं खुद भी नहीं बोलूंगा किसी को कि यार आप अपने 2 घंटे क्रूशियल, चाहे वो मेरा फ्रेंड भी हो, तो आई डोंट वॉन्ट दैट, कि अगर वो मुझसे 2 घंटे उसके मांग रहा हूँ, तो आई शुड फॉर दैट 2 आवर्स, फॉर मी इट्स मैंडेटरी दैट आई वर्क फॉर 6 to 7 months ऑन बिहाइंड स्टेज टू कॉल हिम एंड टू वॉच माई प्ले. ये मेरा हमेशा रहता है. तो यही है भाई, मतलब इफ यू वांट स्टेज पीपल ऑन स्टेज, तो आप ऐसे नहीं कि आप बाहर जाके लोगों को बोलना शुरू करोगे कि आप हमारे नाटक देखने नहीं आए. आप कुछ करो ऐसा कि लोग खुद ही आए. अगर आप 10-15 लोग आपका नाटक देखते हैं, तो पीपल, गुड थिंग्स से स्प्रेड, वो लोग बोलेंगे कि यार वो अच्छा, वो नाटक हुआ, वो नाटक हमने खुद देखा. कभी अगर हम अच्छा करते हैं, चाहे 10 लोगों के सामने करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम वी डू इट, तो ऑडियंस इज देयर. बट जैसे मोतीलाल केमू सर हैं, और ही वॉज अ राइटर, जो राइटर और रजनीश गुप्ता सर हैं, उनके साथ मैंने 3 या 4 नाटक किए होंगे. वो स्पेशली राइट्स, मतलब हम बात करके स्पेशली राइट्स करेक्टर्स फॉर मी समटाइम्स, 1-2 नाटकों में कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं. तो वैन यू आर वर्किंग विद अ राइटर, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप पता चलता है कि, क्योंकि राइटर ने ही वो करेक्टर को शेप दिया होता है, तो आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब आप उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो, राइटर को भी समझते हो आप, तो आप उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो. तो वैसे ही मेरा मोतीलाल केमू सर, जो अभी लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया, उनका तो ही वो, हाँ, पद्मश्री अवॉर्डी थे वो, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, मतलब वो मुझे बहुत, मतलब हम बात करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करने का. इट वॉज रीता जितेंद्र मैडम थे, उनके साथ मैंने कई नाटक पढ़े हुए हैं, वो भी लास्ट, तो उनके मोतीलाल केमू सर के नाटक जो थे, जैसे भांड दुहाई नाटक था, उसमें मैंने एक सेंट्रल करेक्टर जो प्ले किया था, वो बहुत मीनिंगफुल था, बहुत कंटेम्प्रेरी था करेक्टर. तो वो करेक्टर, ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर आई प्ले इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बट वेन यू वर्किंग विद, अभी जैसे सत्यता की उड़ान हमने किया, जो एस के शर्मा सर ने लिखा हुआ था, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो वो कहीं ना कहीं इट इज मोटिवेटेड बाय अ रियल करेक्टर जो बेल्ट फोर्सेस में ड्यूटी देते थे. तो
ही वॉज किल्ड बाय सम माफिया. तो वो जर्नी आप फिर इट्स ब्यूटीफुल. मतलब एवरी कैरेक्टर ऑब्वियसली जो जिसका मैंने डायलॉग सुना आपको कोर्ट मार्शल भी का उसका है तो ये कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू मी. मतलब एवरी कैरेक्टर यू प्ले पोर्ट्रे तो आप जब जितना आप उस पे काम करते हो फिर देन दिस कैरेक्टर एक कैरेक्टर को निभाना उस कैरेक्टर को पूरी तरह से निभाना कितना मुश्किल रहता है उस कैरेक्टर में घुसना और बिल्कुल उस तरह का एक्ट करना. ये वही दिस इज अ जर्नी. जैसे जैसे आप मतलब आप उसको तो अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके. हाँ जैसे ये है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हो आप उसकी आपकी एक अपना मेथड रहता है टेक्निक्स रहती हैं कि आप किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करोगे किस तरीके से आप डायलॉग्स बोलोगे किस तरीके से इसकी वॉक होगी जर्नी जो इस तरीके की होगी वो हर कैरेक्टर की एक अपनी जर्नी होती है. तो बढ़िया है कि जैसे व्हेन द पैशन इज इन्वॉल्व विद द वर्क तो आपको कभी भी हार्ड वर्क नहीं लगता. आप करते रहते हो सोचते रहते हो उस चीज़ के बारे में आपको हज़ार और मतलब आइडियाज़ कम्स टू योर माइंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग मतलब जो आपको लगता है सूटेबल आइडिया है जो सूटेबल जेस्चर उस करेक्टर के लिए सूटेबल वॉइस जो उस करेक्टर के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो तो कहीं ना कहीं तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. इट्स नॉट लाइक कि है इट्स वेरी टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आप इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट करती है बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक जिस तरह डायलॉग्स वगैरह तो उसमें क्या मुश्किल रहती है लर्न करने में या किस तरह याद रखना वो सब. हाँ वो ऑब्वियसली आपके डायलॉग्स जो हैं अब हर डायलॉग अलग अलग राइटर्स ने लिखा होता है अलग अलग रीजन्स का होता है उनके अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेंट्स भी देखने हैं. आप हर डायलॉग एक ही पर्टिकुलर स्पीच से आप नहीं बोल सकते तो ऑब्वियसली देयर इज अ जर्नी ऑफ इट विच इज अगर आप इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट तो इट्स वेरी ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट आई वॉज एक्चुअली वेरी ब्राइट स्टूडेंट क्योंकि साइंस से मैंने किया था और फिर इंजीनियरिंग मैंने किया उसके बाद मैंने मतलब आई वॉज डूइंग गुड इन स्टडीज आई स्टिल डू गुड इन स्टडीज. मुझे ऐसा लगता है कि जितना कभी पेरेंट्स ने भी कुछ बोला नहीं जब आप थिएटर की ओर गए कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई स्टडीज की तरफ इतना उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं बच्चों को जाने भी नहीं देते. फिर आपको भी समझाना जरूरी होता है ना पेरेंट्स को भी. आप यू नीड टू टॉक जब आप बात कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मैं खुद बता रहा हूँ जैसे एक करेक्टर मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि एक साल जितना मैं नाटक करता हूँ उसमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम क्लियर हो जाते हैं. मतलब आई रियली थिंक सो क्योंकि जितना मान लो कि एक बार हमने नाटक किया तो 8-9 महीने की जर्नी थी उसमें तो वो उसमें हम उतना काम कर रहे थे कि बाद में आई रियलाइज व्हेन आई डिड दैट प्ले चाहे उसका रिस्पांस चाहे ऑडियंस जो भी है आपका आती नहीं आती वो दैट हार्डली मैटर्स बट कुछ लोग जो हैं आपका काम आते हैं अप्रिशिएट करते हैं एंड इट्स अ जर्नी. अब कभी कहीं हमने ऐसा किया हुआ कि हॉल फुल रहता है पीपल कम एंड टेक योर ऑटोग्राफ्स कहीं ऐसा होता है कि 15 लोग हैं बट हाँ, इस चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगी जब कभी ऑडियंस की तरफ से उतना अप्लॉज ना आए कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन ना आए तो उस वक्त किस तरह का चैलेंज होता है एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए. विद टाइम आपको ये एडजस्ट करना होता है कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि स्टार्टिंग में वही होता है ना स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप फुल एनर्जी के साथ करते हो फुल ऑन करते हो तो आपको लगता है आपने तो कमाल कर दिया बट देन यू डोंट गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑडियंस तो आप यू फील हार्ट ब्रोकन यार मैंने क्या किया यार मुझे कुछ और. बट विद टाइम ये रियलाइज होता है कि इतना दीज थिंग्स आपका आप किसी भी फील्ड में जैसे आप एंकर हो तो आपको भी मालूम है कि अगर जब तक आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और आप पैशनेटली कर रहे हो फिर ये चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी मैटर नहीं करती अनलेस आप मतलब आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिरेशन या उसके लिए आप काम कर रहे हो फिर ये चीज़ें अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं. तो एज एन आर्टिस्ट कोई भी है हमारे जो कैमरामैन होंगे हर का एक जर्नी होता है तो अगर आप एक अपने काम से रिलेटेड आप पैशनेट हो तो फिर मुझे जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आने वाले समय में हम बलविंदर सिंह को और किन नए प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं. अभी हम फेस्टिवल के लिए हम अभी मतलब इट्स नॉट वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एक ठीक है फेस्टिवल अभी जम्मू फेस्टिवल है उसके लिए हम एक नाटक जो है वो रजनीश सर जो है वो लिख रहे हैं वी विल बी पॉजिटिव अबाउट इट तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट तो आई कांट डिस्क्लोज द सब्जेक्ट. तो एक शॉर्ट मूवी है वो हमने 4-5 महीने इनकी गुज्जर बकरवाल्स पे एक मूवी करेक्टर एक आई प्लेड अ करेक्टर जिसकी वो जनरेशन पूरी जर्नी है बूढ़ा जवान होता है फिर मिडल एज फिर बूढ़ा होता है वो मूवी भी इन प्रोसेस है उसमें भी मतलब शूटिंग उसकी हो चुकी है बट मुझे लग रहा है कि वो जब मूवी बनेगी तो वो बहुत डिफरेंट और बहुत अलग टाइप की मूवी होगी. हम होप करेंगे जल्दी हमें देखने को मिले. तो सर चाचाते जो हमारे बर्डिंग थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहिए. मैं सबके लिए है कि फॉलो योर पैशन मतलब डोंट लिसन टू एनीवन. अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो क्योंकि कई कई बार हम क्या होता है कि हमें कुछ ही हमें जब हम थे तो हमें
कुछ ही चीज़ें दिखाई गई, ये इंजीनियर ये डॉक्टर, ठीक है। अब उन्हीं में से अब इतना बच्चा निकलता है हर साल जम्मू कश्मीर से, अब हर बच्चे को आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाओगे। अब जैसे भाई कुछ हमारे भांजे हैं वो उनके दिमाग में भी यही सेट किया कि भैया इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है, बट ऐसा नहीं है। आपका हर एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन पैशन, आप उस पैशन को फॉलो करो। आप उस पैशन को फॉलो करोगे, अगर उस पैशन को फॉलो करते करते आप अगर प्रोफेशनली उतने सक्सेसफुल भी नहीं हुए ना, बट आई एम वेरी श्योर, मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड टू गिव, ठीक है, मैसेज टू एनीवन, बट आप बहुत सेटिस्फाइड, यू फील वेरी मच सेटिस्फाइड डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, और उस पर काम करते रहो। ऐसे नहीं कि आप ओवर एम्बिशियस हो जाओ कि भैया हम तो दिखते अच्छे हैं, हमारी तो आवाज़ अच्छी, उससे कुछ नहीं। आपको काम वो करना पड़ेगा, यू नीड टू पुट द रिक्विजिट हार्डवर्क ऑन एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू डू। ऐसे नहीं, विदाउट हार्डवर्क तो पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसी कोई आप कुछ नहीं कर सकते एनीथिंग। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू ऑल दी बेस्ट जिस तरह आप अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन को जो फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो ये मेरे साथ है, हमारे साथ है बलविंदर सिंह, जो कि सब इंस्पेक्टर के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करें। जिस तरह कोई उम्र नहीं होती कुछ करने को, तो कहीं ना कहीं उनको कॉलेज में जाके रियलाइज़ हुआ कि वो एक्टिंग में एज अ थिएटर आर्टिस्ट जो है काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम आपको इस तरह पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।